अल्मोड़ा पहुंची कांग्रेस की सह प्रभारी राजेश धर्माणी ने कहा है कि इन्वेस्टमेंट की हार्ड में यहां पर प्रदेश और केंद्र सरकार ने जो भी पर्वतीय क्षेत्र की जमीन को धन्ना सेठों को बेचने का षड्यंत्र किया है उसे कांग्रेस सफल नहीं होने देगी। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस आपस में इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार विमर्श करने के बाद ठोस कदम उठाएगी और यहाँ पर कांग्रेस के साथ ही आम जनता की भी सही राय है। अल्मोड़ा सर्किट हाउस में कार्यकर्ताओं के स्वागत समारोह के बाद उन्होंने कहा है केंद्र और प्रदेश की बीजेपी सरकार अपने वादे पर असफल हो चुकी है। आतंकवाद, महिला उत्पीड़न, बेरोजगारी और महंगाई को रोकने में केंद्र सरकार पूरी तरह से विफल साबित हो रही है। उत्तराखंड को उससे बड़ी जिम्मेवारी थोड़ी हो सकती है। पालिका चुनाव आने वाले इस बारे में क्या बदलाव? हरीश रावत जी ने बहुत अच्छा बयान दिया कि अगर मोदी जी एक कलम से एक आदेश दे देते कि इंडस्ट्रियल पैकेज की सीमा जो है वो बढ़ा देते तो ये ड्रामा करने की ज़रूरत नहीं होती और उसमें जो करोड़ों रुपए बर्बाद किए उसकी भी ज़रूरत नहीं होती। आज उत्तराखंड की इन पहाड़ों की धरती को जो है वो बड़े बड़े उद्योगपतियों को बेचा जा रहा है और ये बेचने के लिए जो है इस आडंबर को रचा जा रहा है।